डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी को अलग अलग पढ़ा, यानी कि कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर्स के लिए। अभी मैं आप लोगों को इस लेक्चर्स में एक बहुत अच्छा सा ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिससे कि हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये जानने की जरूरत है कि ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसको हम लोग एग्ज़ाम में सिर्फ हेल्प के पर्पज़ के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि तीनों ड्रॉ, यहाँ पे ये वाला हिस्सा हम क्या करेंगे, एक जगह पे रफ नोटबुक पे हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और नोट करने वाली बात ये है कि ये हिस्सा आपको नोट करना है मेनली, है ना। तो क्या ये है नोट में कि बेस विल नॉट बी आउटपुट, बेस को हम कभी आउटपुट की तरह यूज नहीं करेंगे, और कलेक्टर जो होगा वो हम इनपुट की तरह यूज नहीं करेंगे। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कॉमन बेस को हमने क्या किया, सबसे पहले कॉमन बेस लिख लिया, कॉमन इमिटर लिख लिया और कॉमन कलेक्टर लिख लिया। तो जो भी ये कॉमन बेस कॉमन है तो बेस को हम बीच में डाल लेंगे, यहाँ पे इमिटर कॉमन है तो इमिटर को बीच में रख लेंगे, और कलेक्टर कॉमन है तो कलेक्टर को बीच में रख लेंगे। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे कॉमन बेस से। तो बेस अगर हमने बीच में यहाँ पे मिडिल पोर्शन में रखा तो क्या बचा, इमिटर एंड कलेक्टर। अब यहाँ पे आइए नोट वन में, क्योंकि कलेक्टर इनपुट में नहीं होगा तो कहाँ जाएगा कलेक्टर, आउटपुट में। तो हमने कलेक्टर को कर दिया आउटपुट में, बचा क्या, ये इमीटर वाला हिस्सा, है ना। तो इमीटर बच गया, तो इसका मतलब इमीटर हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड को हमने यूज किया है, इनपुट साइड, राइट हैंड साइड, आउटपुट साइड, सब में जितने सारे होंगे उसमें। तो इसके इधर का जो भी हिस्सा होगा इनपुट होगा, और इसके इधर का जो हिस्सा होगा वो आउटपुट होगा, क्लियर। तो अब ई यानी कि इमीटर हो गया, कलेक्टर आउटपुट साइड में, इमीटर इनपुट साइड में, बेस बीच में। अब आते हैं इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज देखते हैं। तो क्योंकि ई इनपुट में है तो इनपुट करंट क्या हो जाएगी, आई ई, ठीक है। और ई और बी, अब देखो वोल्टेज हमेशा दो पॉइंट के बीच में होता है, तो और ई और बी के बीच में वोल्टेज होगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी बी। तो ग्राफ किसके बीच से बीच में ड्रॉ होगा, आई ई वर्सेज वी बी, जो देख सकते हैं ये एरो, आई ई वर्सेज ई बी, बाई कीपिंग क्या कॉन्स्टेंट, वी सी बी। एरो आपको दिखा, इसी सर्कल में चलना आपको, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ कंप्लीट होगा। तो हमारा जो पहला इनपुट के लिए हिस्सा होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा होगा, ठीक है, ओके। तो आई ई वर्सेज वी बी हमने ग्राफ को, हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे बाई कीपिंग वी सी बी कॉन्स्टेंट, क्लियर। सिमिलरली जब हम कॉमन इमीटर की तरफ आएंगे तो कॉमन इमीटर में भी देख सकते हैं ये इनपुट का हिस्सा है, आउटपुट का हिस्सा है, इमीटर बीच में कॉमन हो गया, है ना। तो अब हम आते हैं फिर इसमें, बेस विल नॉट बी आउटपुट, तो बेस अगर आउटपुट में नहीं होगा तो बेस किधर होगा, इनपुट साइड में होगा, तो कलेक्टर अपने आप कहाँ चला जाएगा, आउटपुट में हो जाएगा। तो अब बेस इनपुट हो गया, कलेक्टर आउटपुट हो गया, और मीटर बीच में आ गया। अच्छा, अब आते हैं बेस। तो बेस अगर इनपुट में है तो इनपुट करंट क्या हो जाएगी, आई बी, और इनपुट वोल्टेज क्या होगा, बी और ई के बीच में, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में होगा तो इसको हम क्या कर देंगे, वी बी ई। सिमिलरली आउटपुट किसके किसके बीच में होगा, आई सी वर्सेस वी सी ई। आउटपुट वाले पार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पहले हम इनपुट देख लेते हैं। तो यानी कि इसका इनपुट ड्रॉ होगा आई बी वर्सेज वी बी ई बाई कीपिंग वी सी ई कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है इसी ऑर्डर में, इसी डायरेक्शन में, इनपुट का ये हिस्सा हो गया। अब आते हैं फिर कॉमन कलेक्टर की तरफ, कॉमन, और इसमें जो हमने ड्रॉ किया है वो एक्सिस आराम से हमें पता चल गई कि ये आई बी वर्सेज वी बी ई ड्रॉ करना है, क्लियर। अब आते हैं कॉमन कलेक्टर की तरफ। तो सबसे पहले हम एक्सिस डिसाइड कर रहे हैं कि किसके किसके वर्सेस ड्रॉ होगा, मेनली प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। तो कॉमन कलेक्टर में भी ये क्या किया, कलेक्टर को कॉमन कर दिया, बचा क्या, बेस एंड इमीटर। अब प्रॉब्लम ये है कि बेस एंड इमीटर दोनों इनपुट हो सकते हैं, बट आउटपुट क्या नहीं हो सकता, बेस आउटपुट नहीं हो सकता, तो बेस किधर रहेगा, इनपुट में, और इमीटर क्या होगा हमारा, आउटपुट में, यानी कि बेस इनपुट एंड इमीटर आउटपुट हो गया। तो अब बेस अगर इनपुट में है इसका मतलब हमें पता चल गया कि इनपुट करंट क्या होगी, आई बी होगी हमारा इनपुट करंट, और इनपुट वोल्टेज क्या होगा, बी और सी के बीच में, यानी कि वी बी सी। तो हम ग्राफ किसके किसके बीच में ड्रॉ करेंगे, आई बी वर्सेज वी बी सी, कॉन्स्टेंट क्या होगा, ये वी सी। तो ये हमारा हिस्सा ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, ओके। तो इनपुट के लिए जो हम ये 50% यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ड्रॉ करेंगे, और आउटपुट के लिए लेके यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम इनपुट देख रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं इस ग्राफ के बीच। तो हमें एक्सिस पता चल गया कि ये कॉमन कलेक्टर आई बी वर्सेज वी सी बी होगा, जहाँ भी आई बी आएगा वो माइक्रो एम्पियर में रखेंगे, और रिमेनिंग जो आई और आई सी होगा उसको किस में रखेंगे, हम मिली एम्पियर में। तो अच्छा, हमें पता है कि कॉमन
बेस एंड कॉमन इमीटर का जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फॉरवर्ड बायस वीआई कैरेक्टरिस्टिक की तरह बिहेव करता है, यानी कि पीएन जंक्शन का जो आपने फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक देखा होगा उसकी तरह बिहेव करेगा। ओके, ये भी पता चल गया कि कॉन्स्टेंट क्या है, तो यहाँ पे वी सी भी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे वी सी कॉन्स्टेंट है और यहाँ भी वी सी कॉन्स्टेंट है। ओके, तो क्योंकि फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करेगा तो ग्राफ तो ऐसे ही आएगा, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल कर्व टाइप का नी वोल्टेज के बाद। ओके, अब डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे आई यानी कि फॉरवर्ड करंट तरीके से है और आई बी को हम एक तरीके से रिवर्स करंट मानेंगे, तो जब हम वैल्यू वी सी बी को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू, इनपुट करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और क्योंकि ये रिवर्स करंट जैसा है तो जब हम वी सी ई को यहाँ पे बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिमिलर ग्राफ ओनली दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 10 20, और यहाँ पे वी सी जो है 1 10 20, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब आते हैं कॉमन कलेक्टर की तरफ, तो कॉमन ये दोनों अप्रॉक्स सिमिलर हो गया, मतलब कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक करीब करीब सिमिलर है, और डिफरेंट क्या है, वो है कॉमन कलेक्टर। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये बिहेव करता है इनपुट पीएन जंक्शन की रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक की तरह। तो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये जो वी सी की वैल्यू को जब मैं बढ़ाता हूँ तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी, आई बी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब चलते हैं हम लोग कॉमन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। जैसा हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखा था, सिमिलर प्रोसेस हम आउटपुट की तरफ देखेंगे। तो आउटपुट में भी यही आपका ये रहेगा कि बेस विल नॉट बी द आउटपुट एंड कलेक्टर विल नॉट बी द इनपुट, ये बस याद रखना है, और ये हम रफ वर्क में, ये वाला काम हम रफ वर्क में करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं यहाँ से यहाँ का हिस्सा। तो जैसे हम देखे थे कि बी को हमने बीच में कॉमन कर लिया, इसमें ई को कॉमन कर लिया और इस सी को कॉमन कर लिया, ये चीज समझ गए हम लोग कि ये ई इनपुट में कैसे होगा, सी आउटपुट में कैसे होगा। यानी कि अब जो आउटपुट ड्रॉ होगा वो कॉमन बेस में आई सी वर्सेज वी सी बी होगा। अब इसमें कॉन्स्टेंट क्या रखेंगे, इसके आगे इस डायरेक्शन में चलना है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक के डायरेक्शन को कंप्लीट करना है। तो वी सी बी वर्सेज आई सी ग्राफ ड्रॉ होगा बाय कीपिंग आई ई इसमें फिक्स कॉन्स्टेंट रखेंगे, मतलब आई ई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो एक्सिस डिसाइड हो गया आई सी आउटपुट करेंट वर्सेज वी सी बी बाई कीपिंग आई ई कॉन्स्टेंट। अब इसमें आते हैं आई सी वर्सेज वी सी, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे इस डायरेक्शन में, यहाँ तक आएंगे। ठीक है, तो अब ये ड्रॉ होगा ग्राफ आई सी वर्सेज वी सी ई, ओके, बाई कीपिंग व्हाट कॉन्स्टेंट, आई बी कॉन्स्टेंट, तभी जाके हमारा सर्कल कंप्लीट हो पाएगा। इसके इनपुट वाले केस में यहाँ तक कहीं सा लिया था हमने। ओके, तो ये हो गया आई सी, क्योंकि आई सी है तो मिली एम्पियर में होगा, वर्सेज वी सी बाई कीपिंग आई बी कॉन्स्टेंट, जहाँ भी आई बी होगा उस किस में लेंगे हम लोग, माइक्रो एम्पियर में लेंगे। अच्छा, अब थर्ड वाला हिस्सा, इसमें किसके किसके बीच में होगा, वी सी ई वर्सेज आई ई बाई कीपिंग आई बी कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम यहाँ तक सर्किल कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखने वाली बात है, आप देख सकते हो कि ये ग्राफ जो है वो आई सी वर्सेज वी सी है, आई ई वर्सेज वी सी है, आई ई और आई सी अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं, इसलिए कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली सिमिलर होगी, करीब करीब, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज करीब करीब बराबर होगी। एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। ओके, लेकिन बेस की कैरेक्टरिस्टिक जो है की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि इसमें मुझे हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें थोड़ा सा हिस्सा जीरो से निगेटिव जाएगा रिवर्स बायस की वजह से, है ना, और रिमेनिंग, और इसका जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ होगा, ये जो लाइन होगी वो करीब करीब फ्लैट होगी, बिल्कुल सीधी। बट कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर में ये जो ग्राफ जो होगा वो शार्पली इसका कर्व इस तरीके से आएगा थोड़ा, लेकिन दोनों यानी कि कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रॉक्स सिमिलर है, बट कॉमन बेस की थोड़ा सा डिफरेंट है, है ना। तो कॉमन बेस को हम थोड़ा सा अलग कर लिए, और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखेंगे तो कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो करीब करीब सिमिलर है, बट कॉमन कलेक्टर की थोड़ी डिफरेंट है। ये तरीका पता चल गया, जो ट्रिक है, जो मेथड है कि हम डिसाइड कैसे करेंगे कि एक्सिस कौन कौन सा होगा, है ना। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल वे में इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को बीजेटी के ड्रॉ कर सकते हैं, ये इस ट्रिक को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू।